हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श आपका भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो गाइस आज तो संडे है, संडे तो जानते हो फंडे होता है, फुल ऑन फन। तो अभी मैं यहाँ से सीलिंग देख रहा हूँ गाइस, और मैं यहाँ से आपको सी व्यू दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो आप भी मोटिवेट हो, फ्रेश फील करो। तो देर किस बात की, अभी मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ, जस्ट वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा वर्सोवा बीच है, और अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ वो हमारा मड आइलैंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्टे कर चुका हूँ 1-2 साल के लिए, बट अभी मैं सी के इस साइड आ गया हूँ। तो अभी मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नाव है, ये सारे नाव मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर के बीच में जाते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नाव हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अभी मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा मछली का खाना है। अभी फ़िलहाल इसकी क्वांटिटी कम है, क्योंकि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी 4 दिनों से, बट फिर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इसको सूखने के लिए रखा जाता है, और एक्चुअली इसका ना पेडिग्री बनता है। पेडिग्री जो कुत्ते बिल्लियों को खाने का डाइट होता है वो बनता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। तो गाइज यहाँ पे फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 1000 पुशअप्स मार ही लिया जाए, मजा आ रहा है। पीछे कुत्ता इतना भौंक रहा है, मेरी फट रही है लिटरली, मैं बता दूँ। लेकिन मैं फिर भी इनके सामने ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे 1, 2, 3, 4 न जाने 10-15 कुत्ते हैं, अगर पीछे पड़ेगा तो वाट लगा देंगे। तो सोच रहा हूँ तो भाई इस पत्थर का एकदम राइट उपयोग किया जाए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सही उपयोग इसका, क्या हो सकता है सबसे सही उपयोग। ऐसे लो लो, और बीच पे आए हो तो कम से कम 10-12-15 ट्राइस तो मार ही दो यार, क्या करने आए हो बीच पे यार। बॉल के थ्रो बॉल के साथ में पूरी ट्राइस प्राइस और कौन बन जाएगी। ये आप देख सकते हो नज़ारा, टोटल सी व्यू। तो गाइस आप देख सकते हो मैं वापस से आ चुका हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी देर एक्सरसाइज किया है, अप्रॉक्स 30 मिनट्स। जिम बंद हो या स्टार्ट हो डजेंट मैटर, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वो तो आप कर ही लोगे। ईंटें हैं, पत्थर है, भैंस की आँख मारते रहो, 50, 100, 500 कभी तो पंप होगी। तो